एक गांव में दो अनाथ बच्चे रहते थे। उनका नाम रोहन और गौरी था। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से दोनों अपना गुजारा करने के लिए छोटा मोटा काम कर लिया करते थे। जब वो दूसरे बच्चों को देखते तो उन्हें भी अपने माता पिता की याद आ जाती, क्योंकि दूसरे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। और एक दिन की बात है, रोहन ने अपनी बहन गौरी से कहा, यदि हमारे माता पिता भी जिंदा होते तो वो भी हमें इसी तरह प्यार करते। हाँ भाई, आप एकदम ठीक कह रही हैं, पर हमारे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। पता नहीं क्यों हमारे माता पिता को भगवान ने छीन लिया। हाँ गौरी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। अब कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है। यदि हमारे माता पिता होते तो हम लोग अच्छी तरीके से दिवाली मनाते, पर लगता है हम लोग दिवाली नहीं मना पाएंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे तो दिवाली मनाने का बड़ा ही मन हो रहा है, पर लगता है कि अब हम कभी भी दिवाली नहीं मना पाएंगे। ये सब कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ दिवाली पास आने लगती है, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा उदास रहते थे। एक दिन की बात है, दीपा अपनी माँ रागिनी के साथ बाजार जा रही होती है। तभी दीपा ने अपनी माँ से कहा, देखो माँ, ये तो वही बच्चे हैं ना जो अनाथ हैं। हाँ बेटी, तुम एकदम ठीक कह रही हो, पर तुम इनके बारे में क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इनके तो माता पिता है ही नहीं, तो ये दिवाली कैसे मनाएंगे? तुझे इनसे क्या करना है, ये जैसे भी दिवाली मनाए, तू तो अपनी दिवाली अच्छे से मनाएगी ना। पर माँ, हमें इनके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि यदि इन्होंने दिवाली नहीं मनाई तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। तू इनकी चिंता मत कर, तू बस मेरे साथ चल। और ये कहकर रागिनी दीपा को वहाँ से ले गई। वहीं रागिनी की बात उन दोनों बच्चों ने सुन ली और उन्हें काफी बुरा लगा कि उनके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। इस पर गौरी ने अपने भाई से कहा, भैया सभी लोग हमारे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? यदि हमारे माता पिता नहीं है तो इसमें हमारा क्या दोष है? मुझे पता है बहन, पर ये तो लोगों की सोच ही है। जो लोग गरीब और अनाथ होते हैं उन्हें लोग बुरी नजर से ही देखते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद रोहन अपनी बहन के साथ रात के खाने का इंतजाम करने के लिए चला गया। उसने एक दो जगह काम के लिए हाथ आजमाया, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस पर रोहन काफी ज्यादा दुखी हो गया और उसने अपने आप से कहा, यदि आज मुझे खाना नहीं मिला तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। वो अभी बहुत छोटी है, मैं तो भूखा रह लूंगा, पर मेरी बहन भूखी नहीं रह पाएगी। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूं, मैं भीख मांगकर अपनी बहन का पेट भर देता हूं, फिर कल सुबह ही मैं कोई अच्छा सा काम देख लूंगा। और ये सोचकर उसने एक घर पर जाकर खाना मांगा, पर उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला और वो उदास होकर लौट आया। अपने भाई को दुखी देखकर गौरी ने अपने भाई से कहा, भैया आप दुखी क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए, आज मैं भूखी रह लूंगी। वैसे भी जब आप भूखे रह सकते हैं तो मैं भी भूखी रह सकती हूँ। ये सुनकर रोहन ने अपनी बहन गौरी को गले से लगा लिया और उसे कहा, मैं तुझे इस तरह भूखा नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं भगवान हमारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिवाली का त्योहार पास आ रहा था, पर अभी तक उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की। दिवाली के एक दिन पहले दीपा उन लोगों के पास आई और दीपा ने उन दोनों से कहा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, इनसे तुम दिवाली मना लेना। एक पैकेट में पटाखे हैं और एक पैकेट में मिठाई है। ये सुनकर गौरी और रोहन काफी खुश हुए, पर गौरी ने दीपा से कहा, यदि तुम्हारी माँ ने जान लिया तो वो क्या कहेंगी कि तुम हमारे लिए ये सब चोरी करके ले आई? वो तो ये सब तुम्हारे लिए लाई होगी ना। हाँ मेरे लिए ही लाई थी, पर मेरे पास बहुत सारे पटाखे रखे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। और वैसे भी दिवाली सभी को मनानी चाहिए, ये एक साल में एक बार ही आती है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो, वरना सभी लोग हमारे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। तभी वहाँ पर दीपा की माँ रागिनी आ जाती है और वो दीपा से कहती है, तू घर से सामान चोरी करके ले आई? तुझसे कितनी बार कहा है कि इन गरीबों के लिए कुछ मत लाया कर, पर तू इन अनाथों के लिए चोरी करने लगी। चल मैं तुझे घर पर बताती हूँ चलकर कि चोरी करने की क्या सजा है। ये सुनकर रोहन और गौरी काफी ज्यादा डर गए और रोहन ने रागिनी से कहा, आप दीपा को मत मारिए, ये रहा सामान जो दीपा हम लोगों के लिए लाई थी, ये आप ले जाइए।
हाँ हाँ मैं तो ये ले ही जाऊंगी। वैसे भी तुम जैसे गरीबों को कौन पूछता है। तुम लोग तो बस इसी इंतजार में रहते हो कि कोई अच्छा बच्चा मिल जाए जिसे तुम रुपए या सामान ले सको। और ये कहकर रागिनी दीपा को वहाँ से ले गई और सारा सामान भी ले गई। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो गए। अगले दिन सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि सभी दिवाली की खुशियाँ मना रहे थे। सारे बच्चे नए नए कपड़े पहनकर पकवान खाने में लगे हुए थे। वहीं गौरी और रोहन उन बच्चों को देखकर काफी दुखी हो रहे थे क्योंकि वो भी उन बच्चों की तरह दिवाली मनाना चाहते थे। गौरी ने अपने भाई रोहन से कहा, भैया देखो सभी बच्चे किस तरह दिवाली मना रहे हैं। यदि आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम भी इसी तरह दिवाली मनाते ना। हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हमारे तो माता पिता हैं ही नहीं। और ये कहकर वो रोने लगा। इस पर गौरी को भी रोना आ गया और वो दोनों काफी तेज रोने लगे। तभी वहाँ से रुद्र और शिवानी नाम का एक दंपत्ति जोड़ा निकला और उन्होंने जब गौरी और रोहन को रोता हुआ देखा तो वो उन दोनों भाई बहन के पास आए और रुद्र ने उन दोनों से कहा, क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो और तुमने आज के दिन अपनी ये क्या हालत बना रखी है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इस पर रोहन ने रुद्र को बताया, हमारे माता पिता नहीं है, हम गरीब और अनाथ बच्चे हैं, इसी वजह से इस तरह रह रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो। कहाँ, आप हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे पहले चलो तो मेरे साथ, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि हम तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों उन बच्चों को अपने साथ ले आए और सबसे पहले वो उन्हें एक अच्छी सी कपड़ों की दुकान पर ले गए जहाँ पर रुद्र ने पहले रोहन और गौरी के कपड़े चेंज करवाए। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि अभी तक उनके साथ इतने प्यार से किसी ने भी व्यवहार नहीं किया। उसके बाद शिवानी ने उन दोनों से कहा, अच्छा अब तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें पटाखे चाहिए? हाँ हाँ हम लोगों को पटाखे चाहिए। इसके बाद रुद्र ने उन दोनों को बहुत सारे पटाखे दिलवाए और पटाखों को देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए। और रोहन ने उन दोनों से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना सब किया। कोई भी हम लोगों से अच्छी तरीके से बात तक नहीं करता था क्योंकि हम लोग गरीब और अनाथ है ना, पर आज आपने हमारे लिए इतना करके ये सिद्ध कर दिया कि सभी बुरे नहीं होते हैं, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अब हम लोग अच्छी तरीके से दिवाली मना पाएंगे। अरे बच्चों तुम लोग इस तरह से क्यों कह रहे हो, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी अब तुम हम लोगों के साथ ही चल रहे हो। क्या आप सच कह रहे हैं, हम लोग आपके साथ जा रहे हैं? हाँ ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम दोनों को कोई भी बच्चा नहीं है और हमें बच्चे की तलाश थी, पर भगवान ने तुम दोनों को भेज दिया, अब हम तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह रखेंगे। ये सुनकर रोहन और गौरी बहुत ज्यादा खुश हुए और फिर शिवानी ने गौरी को बड़े प्यार से देखा और उससे कहा, तुम मेरी बेटी बनोगी ना? हाँ हाँ जरूर। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और इसके बाद वो दोनों उन दोनों को अपने साथ ले आए और फिर उन दोनों ने खूब धूमधाम से दिवाली मनाई। अब रोहन और गौरी बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्हें दिवाली के दिन भगवान ने सबसे अच्छा तोहफा दिया, उन्हें माँ बाप दे दिए, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे और धूमधाम से दिवाली मना रहे थे। वहीं उन बच्चों को पाकर रुद्र और शिवानी भी बहुत खुश थे और फिर सभी ने मिलकर अच्छे तरीके से दिवाली मनाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिवाली हमसे जितना हो सके गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे एक मदद से उनके जीवन में छोटी सी खुशियां आ सके। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। सिंड्रेला 5वीं बार गर्भवती थी और एक सरकारी अस्पताल में अपनी 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले सिंड्रेला की 4 बेटियां थी। डिलीवरी रूम के बाहर सिंड्रेला की सास मधुबाला और पति रोहन बेसब्री से बच्चा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिंड्रेला की डिलीवरी हुई तब नर्स मुस्कुराते हुए डिलीवरी रूम से बाहर आई और बधाई देते हुए सिंड्रेला की सास मधुबाला से बोली, बधाई हो आंटी जी, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। नर्स के बात सुनते ही मधुबाला का सर चकरा गया। हाय मेरी फूटी किस्मत, फिर से एक और लड़की। अरे बेटा रोहन, तेरी पत्नी है ये लड़कियाँ पैदा करने की मशीन। पहले से ही 4 लड़कियाँ मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा की है, अब एक और ले आई।
तुमने सही कहा माँ, अब मैं इन 5 लड़कियों को पालूंगा कैसे, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, मेरी मान इस कलमुही सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों को यहीं छोड़कर यहाँ से चुपचाप भाग चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वरना इनके चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। माँ तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर दोनों माँ बेटे सिंड्रेला को उसके नवजात बच्ची और बाकी की 4 बेटियों को अस्पताल में ही छोड़कर वहाँ से चले गए। कुछ देर में जब सिंड्रेला को होश आया तो वो अपने नवजात बच्चे को देखकर खुश तो बहुत हुई, लेकिन 5वीं बार बेटी होने के कारण अपने सास और पति के बारे में सोचकर डर रही थी। तभी नर्स सिंड्रेला के होश में आते ही उसके 4 बेटियों को लेकर उसके पास आई। नर्स, मेरे पति और सास कहाँ हैं? वो नहीं आए, वो तो बिना बताए ही कब के यहाँ से चले गए हैं। ये सुन सिंड्रेला बहुत दुखी हुई। फिर 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सिंड्रेला गोद में अपने नवजात बच्ची और बाकी 4 बेटियों को लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, माँ जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ आपकी बहू सिंड्रेला। तभी गुस्से से मधुबाला दरवाजा खोलते हुए बोली, क्यों रे यहाँ क्या करने आई है? मेरे बेटे ने तुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से अपने इन 5 बोझ के गठरी को लेकर। माँ जी ऐसा मत बोलो, मैं अपने 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? कहीं जाकर डूब मर, मुझे क्या, अब हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता, और तूने तो 5 पैदा कर ली। मैं अब अपने बेटे रोहन की दूसरी शादी करूंगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़ सके। इतना बोलकर मधुबाला ने सिंड्रेला और उसके 5 बेटियों के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। बेचारी सिंड्रेला अपनी बच्चियों को लेकर शहर के पास ही एक छोटी सी बस्ती में टूटे फूटे घर में रहने लगी। अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए सिंड्रेला मेहनत मजदूरी करने लगी। सिंड्रेला अपनी 5 बेटियों से बहुत प्यार करती थी, धूप हो या छाव वो दिन भर कड़ी धूप में काम करती ताकि उसके बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन सके। वक्त का पहिया धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसे ही 20 साल बीत गए। अब सिंड्रेला की बेटियां बड़ी हो चुकी थी और साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब सिंड्रेला मजदूरी करने काम पर जा रही थी तभी उसकी बड़ी बेटी दीपा बोली, अरे माँ इतनी सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बिटिया काम पर जा रही हूँ, आज मालिक ने काम पर जल्दी बुलाया है। माँ आज से आप काम पर नहीं जाओगी, अब आप घर पर आराम करो। नहीं बिटिया, मैं काम नहीं छोड़ सकती, इसी काम की वजह से तो मैं तुझे और तेरी बाकी बहनों को पाल पाई हूँ, अगर मैंने काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा? घर अब से मैं चलाऊंगी, मेरी नौकरी लग गई है वो भी बहुत अच्छी जगह, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप बस आराम कीजिए। सच बिटिया आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। ये कहते हुए सिंड्रेला ने दीपा को गले से लगा लिया। फिर शाम को सिंड्रेला अपनी बड़ी बेटी दीपा संग सब्जी लेने मार्केट जा रही थी तभी पड़ोस में रहने वाली सरिता दूसरी औरत के साथ बात करते हुए सिंड्रेला को ताने मारते हुए बोली, अरे कमला बहन आज के जमाने में 5 लड़कियां पालना कितना मुश्किल है, वो भी बिना बाप के। लड़कियां किसी बोझ से कम नहीं होती, तभी तो इनके बाप ने इन्हें छोड़ दिया। खबरदार सरिता बहन, मेरी बेटियों को बोझ कहा तो, वरना मैं तुम्हारा मुँह नोच लूंगी। मेरी बिटिया बोझ नहीं है, मेरा अभिमान है, समझी तुम? माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया तब भी वो एक औरत का दुख न समझे फिर वो इंसान नहीं। दीपा की बात सुनकर सरिता का सिर शर्म से झुक गया। सिंड्रेला को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था, सिंड्रेला ने खूब मेहनत करके अपनी 5 बेटियों को शिक्षित बनाया था। सिंड्रेला की 5 बेटियां संस्कारी होने के साथ साथ समझदार भी थी।
ऐसे ही एक शाम सिंड्रेला की दूसरी बेटी मीरा जब घर आ रही थी, तभी बस्ती के कुछ आवारा लड़के बीच चौराहे पर खड़े थे। तभी उनमें से सूरज नाम का एक लड़का मीरा को देखते ही उसे छेड़ने लगा। अरे अरे जरा इधर भी नजर डाल लो मैडम। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? सुन तो लो। उफ, सच में इस बस्ती में रौनक तो सिंड्रेला आंटी के 5 बेटियों ने लगा रखी है। कसम से पांचों एक से बढ़कर एक हैं। मन करता है पांचों में से किसी एक से शादी कर लूं। लेकिन मीरा सूरज की बातों को अनदेखा कर वहां से जाने लगी। अरे कुछ बोलती तो जाओ मैडम, मैं तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करना चाहता हूँ, शादी कर लो मुझसे। मीरा फिर भी कोई जवाब नहीं देती। ये देख सूरज ने जबरदस्ती मीरा का हाथ पकड़ लिया। इतने में सरिता वहाँ आई और सूरज को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ, तो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा? कल तक तो सिंड्रेला आंटी और इसकी लड़कियाँ तुम्हारी आँखों में चुभती थी। सरिता फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाँ क्योंकि तूने जो आज घटिया हरकत की है, तुझे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, जो तेरे जैसे लड़के को मैंने जन्म दिया। सच में सिंड्रेला बहन बहुत खुशकिस्मत है जो उसके घर बेटियों ने जन्म लिया। अब मैं जान गई, लड़कियाँ बोझ नहीं होती बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ होते हैं समाज के लिए। हाय, मैंने तेरा नाम सूरज रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तेरा नाम राहु या केतु रखना चाहिए था। अरे माँ, गलती इसकी भी तो है, इतना मेकअप करके क्यों चलती है? क्यों, मेकअप करना क्या गुनाह है? मैं भी तो करती हूँ मेकअप। अरे शुक्र मना, इसने मुड़कर तुझे थप्पड़ नहीं मारा, वरना सिंड्रेला दीदी की 5 लड़कियाँ किसी शेरनी से कम नहीं है, समझा? इतने में सिंड्रेला भी वहाँ आ पहुँची। सरिता ने अपने पिछले बुरे व्यवहार के लिए सिंड्रेला से माफी मांगी। फिर कुछ ही समय में अपनी 5 बेटियों की बदौलत सिंड्रेला ने शहर में एक सुंदर घर खरीदा और बस्ती छोड़ अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगी। फिर एक शाम एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़ों में उनके दरवाजे पर आकर बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। बूढ़ी औरत की आवाज़ सुन सिंड्रेला एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर बाहर आई और जैसे ही उसने बूढ़ी औरत को देखा उसके होश उड़ गए। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, उसकी सास मधुबाला थी। माँ जी, आप इस हालत में कैसे? कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, बूढ़ी हो गई हूँ, नजर भी कमजोर हो गई है। माँ जी, मैं आपकी बहू सिंड्रेला हूँ। सिंड्रेला बहू, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, माफ कर दे मुझे, तुम्हारे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दी। मेरी बेटी ने दूसरी शादी करके अपनी अमीर और घमंडी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दो बहू। माँ जी, पहले आप अंदर चलिए, मैं आपको आपकी 5 पोतियों से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सास मधुबाला को घर के अंदर ले आई और अपनी 5 बेटियों से मिलवाया। सिंड्रेला की 5 बेटियाँ अपनी दादी मधुबाला से मिलकर बहुत खुश हुई। इस बार मधुबाला ने रोते हुए अपनी पोतियों को गले से लगा लिया और उन सबसे माफ़ी भी मांगी। फिर सब कुछ भुलाकर सिंड्रेला ने अपने सास मधुबाला को माफ कर दिया। बहू, तुमने मुझे माफ कर दिया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? देखो आपकी पोतियाँ उदास हो गईं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे साथ इसी घर पर रहेंगी। इस तरह मधुबाला अपनी बहू सिंड्रेला और उसकी 5 बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।